इस साल कप नाम दे की दावेदारी को सिद्ध किया है यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने और बनाई है प्लेऑफ्स में जगह। खतरनाक मैच हुआ यार ये, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि जिस तरीके से पीबी केस बैटिंग कर रही थी उस हिसाब से मेरे को लग रहा था कि चेज हो जाएगा स्कोर, पर हुआ नहीं। तो बात करें तो पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 164 रन पे 7 विकेट बनाए, जिसमें कोहली ने 25 रन की पारी खेली, देवदत्त पडिक्कल 40 रन की, मैक्सवेल ने 57 रन की शानदार पारी खेली। क्या खेला यार मैक्सवेल ने यार, सुझा दिया। एबीडी ने 23 रन बनाए, काफी सपोर्टिंग पारी थी इनकी भी। बात करें तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में 39 रन पे 3 विकेट लिए मोहम्मद शमी ने और मोजेस हेंड्रिक्स, इतनी शानदार बॉलिंग की इन्होंने 12 रन पे 3 विकेट और 4 ओवर में। मतलब यार खतरनाक बॉलिंग की इन्होंने यार, सोचो 12 रन सिर्फ 4 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए और 3 विकेट निकाले, भाई मैन ऑफ द मैच डिजर्व करते थे। पीवीकेएस की बात करें तो 158 रन पे 6 विकेट हो गए इनके और ढेर सी हो गई, जिसमें केएल राहुल ने 39 रन की पारी खेली, मयंक अग्रवाल ने 57 रन की पारी खेली, एडन मार्क ने 20 रन, शाहरुख खान ने 16 रन और बॉलिंग डिपार्टमेंट में चहल का शानदार जो गेम चेंजिंग ओवर, जिसने 29 रन पे 3 विकेट लिए, और सरफराज अहमद और जॉर्ज गार्टन ने एक एक विकेट लिया। तो गाइज ये था पूरी हाइलाइट्स और क्रिकेट के तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े चांद माइक्रो इंडस्ट्री के साथ।